खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई गेट इट। Well, I know, Mr. Prime Minister, the audience is interested in a number of issues, but let's start with one that everybody cares about around the world, and that is climate change. You have set one of the most ambitious goals for generating renewable energy, and India is now providing wind and solar at some of the cheapest electricity rates in all of Asia. How did you accomplish that? And is India on the track to really meet the ambitious targets that you set? मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक विश्व के लिए जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है उसको स्पर्श किया है, और मैं जानता हूं आप स्वयं भी इस विषय पर कमिटेड हैं। आपका एक कमिटमेंट है, आपके कन्विक्शन है। ये बात सही है कि भारत की जो लाइफस्टाइल है वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम लोग सिद्धांततः इस बात को मानने वाले लोग हैं कि पृथ्वी हमारी माता है और हमें उसका एक्सप्लोइटेशन करने का अधिकार नहीं है, हमें सिर्फ मिल्किंग का ही अधिकार है, दोहन का अधिकार। भारत मूलतः उस चिंतन से जुड़ा हुआ है जहां नीड समझ सकते हैं, ग्रीड का कोई उपाय नहीं है। तो ये मूलभूत तत्वज्ञान है, और मैं मानता हूं कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के इस चैलेंज को सरकारें बाकी व्यवस्थाओं से ज्यादा नागरिक की बिहेवियर ही इस परिस्थिति से दुनिया को बाहर ला सकती है, और इसलिए ह्यूमन बिहेवियर को हमें नेचर के साथ जोड़ करके चलने की आदत बनानी पड़ेगी। दूसरी बात है, भारत ने तय किया है, हमने पहले लक्ष्य तय किया था 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने का। मुझे आज खुशी है कि समय से बहुत आगे हम चल रहे हैं और करीब करीब 120 गीगावाट का काम हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और कल मैं जब यूएन में बोल रहा था तो मैंने अपने लिए एक नया टारगेट तय किया है 450 गीगावाट का, और निकट भविष्य में हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जाएंगे। इसको करने के लिए हमने एक तो पॉलिसी इनिशिएटिव लिए हैं, दूसरा इंसेंटिव्स दिए हैं, तीसरा हमारी कोशिश है कि इसके लिए जो आवश्यक संभावना है उसको बल दिया जाए। हमारे सामने एक चुनौती अभी भी है और वो है न्यूक्लियर एनर्जी की, क्योंकि हम एनर्जी के मेंबर ना होने के कारण हमें जो फ्यूल की सप्लाई की सुविधा रहनी चाहिए वो नहीं रहती है। अगर हमारा वो सॉल्यूशन हो जाता है तो शायद हम दुनिया में एक मॉडल के रूप में इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। लेकिन क्लाइमेट के विषय के साथ एक दूसरा विषय जुड़ा हुआ है जिसकी तरफ ध्यान अभी गया नहीं है, वो है पानी, वाटर। भारत ने अभी जल जीवन मिशन का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज, उन चीज़ों पर बल देकर के पूरे देश में एक बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हम आवश्यकता के अनुसार हमारी नदियों को पुनर्जीवित करें, हमारे नदियों का ग्रिड कैसे करें उस पर हम बढ़ें। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया है और देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज करने के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया है। ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम हम सफलतापूर्वक करें, यानी हम क्लाइमेट को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के अनेक क्षेत्रों पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। यू टॉक्ड अबाउट प्लास्टिक, वाटर, रिन्यूएबल्स
Do you have any expectations of reducing the amount of coal that is burnt in India? ये बात सही है कि दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा कोल रिजर्व भारत में है। भारत जैसे गरीब देश में उसको हम नकार नहीं सकेंगे, लेकिन उसका उपाय है, एक माइनिंग की पद्धति को बदलना और अंडरग्राउंड माइनिंग करना ताकि उसके कारण वे एनवायरनमेंट को नुकसान न करें। दूसरा सबसे बड़ा अच्छा उपाय है कोल गैसिफिकेशन का। कोल गैसिफिकेशन से क्लीन एनर्जी उपलब्ध होती है और हम दुनिया को इनवाइट करते हैं टेक्नोलॉजी लेकर के आने की, ताकि हम कोल गैसिफिकेशन करके उस गैस के द्वारा चाहे मोबिलिटी हो चाहे एनर्जी हो हम उसको उपयोग करना चाहते हैं। तो हम भारत के पास ये जो संपत्ति उसको नकारते तो नहीं है, लेकिन हम एनवायरमेंट फ्रेंडली उसको कैसे उपयोग करें उस पर हम बल दे रहे हैं। Let's change the subject and talk about the economy. India's economic growth is one of the great success stories of the century. Last month you said that India could have a $5 trillion economy in 5 years. How do you plan to reach that target, and will it require additional economic reforms or steps to boost foreign investments? मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आज दुनिया में कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं कर सकता है। हम उस इंटरडिपेंडेंट एरा से गुजर रहे हैं, हमने ग्लोबल बेंचमार्किंग से ही चलना पड़ेगा। तो पहला काम है मुझे मेरे कानून, नियम, व्यवस्थाएं, गवर्नेंस, एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें हमें ग्लोबल बेंचमार्क से जोड़नी पड़ेगी ताकि दुनिया को वो सरलता भी रहे और विश्वास भी पैदा हो। तो उसके लिए जो कानूनों में सुधार करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, कई नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। दूसरा, इन्वेस्टर्स के लिए सेफ्टी, उसको उसका रिटर्न मिलना चाहिए। और मैं मानता हूं भारत की दो चीजें दुनिया से हमें अलग करती हैं, एक डेमोक्रेसी और दूसरी हमारी जुडिशियल सिस्टम, और वो भी अंग्रेजी में। उसके कारण कोई भी इन्वेस्टर अगर कोई डिस्प्यूट का मामला बनता है तो ये दो चीजें उसको कॉन्फिडेंस देती हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, परफेक्ट जुडिशियल सिस्टम है, और अंग्रेजी होने के कारण वो इंटरप्रिटेशन के प्रॉब्लम नहीं होते हैं। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति या ब्रिटेन में बैठा हुआ व्यक्ति उसका इंटरप्रिटेशन वही करता है जो हिंदुस्तान वाला करता है। तो लैंग्वेज एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल कर रही है। तो ये गिवन सिचुएशन हमारे अनुकूल है। दूसरा, हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ले जाना चाहते हैं। हम नए एयरपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, हम नई रेलवे लाइन की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं, हम हमारे रोड्स को करना चाहते हैं, हम हमारे हर परिवार को घर देना चाहते हैं। यानी एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर एक हमारी प्रायोरिटी क्षेत्र है। दूसरा है वैल्यू एडिशन। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत बड़ी मात्रा में फूड प्रोसेसिंग की तरफ जाना चाहते हैं, और हम भारत अगर कोशिश करें तो एक प्रकार से फूड बास्केट बन सकता है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बल देना चाहते हैं और उसके कारण दुनिया का एक जो बहुत बड़ा मार्केट होलिस्टिक हेल्थ केयर का है उसके लिए हम अनेक व्यवस्था कर सकते हैं। भारत में हेल्थ सेक्टर में बहुत सुविधाएं हैं। हमने अभी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है। अमेरिका, कैनेडा और मैक्सिको, उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा लोगों को हम भारत में आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। इसका मतलब कि मुझे मेरे देश में 2000 नए आधुनिक हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर की और हॉस्पिटल निर्माण की संभावनाएं पैदा हुई हैं, जिसमें रेस्ट एश्योर्ड इनकम है क्योंकि गवर्नमेंट पेमेंट देने वाली है। तो अपने आप में हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बड़ी सुविधा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो, हम डिजिटल इंडिया की ओर जा रहे हैं। हमारे यहाँ 600,000 विलेजेज में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और डिजिटल इंडिया की मेरी मूवमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट की संभावना वाला है। हम स्टार्टअप को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं,
आज हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में नंबर 3 पे हैं, लेकिन हम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ यूथ के लिए भी बहुत सारी संभावना है। ये सारे जो हमारे इनिशिएटिव हैं, उस इनिशिएटिव का परिणाम है कि हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और हमारा 5 साल का अनुभव है कि हम 2 से 3 5 साल में चले गए, तो 5 जाना मुझे जरा भी कठिन नहीं लगता है, और हम बहुत निश्चित समय में 5 भी पहुंच जाएंगे। In spite of all of the new technology that keeps getting introduced around the world, the real key to economic growth is still the workforce. And you have a very young workforce. Half the population is under the age of 25. And that presents real challenges in terms of skill sets and job education. Especially as the economy around the world rewards more education and high-skilled workers, how is your administration going to tackle education, changes in technology, and how can the private sector really help you get it done? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आपने स्पर्श किया है कि भारत का एक सबसे बड़ा फायदा है, हमारे पास यंग टैलेंट है। इनोवेशन पे हम बल दे रहे हैं। हमने प्राइमरी स्कूल लेवल से अटल टिंकरिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। हम इनोवेशन को प्रमोशन देना चाहते हैं। हम इंक्यूबेशन सेंटर्स का एक पूरा जाल बिठाना चाहते हैं, ताकि दुनिया कहीं रुकने वाली नहीं है। दुनिया नए नए आविष्कारों के साथ, और शायद पिछले 300 साल में जितने आविष्कार हुए होंगे उससे ज़्यादा पिछले 60 साल में हुए हैं, और आने वाले दिनों में शायद उससे भी ज़्यादा तेज़ी से होने वाले हैं। तो उसके लिए एक ग्राउंड तैयार करना और टैलेंट का उपयोग रिक्वायरमेंट के अनुसार करना, तो एक तो हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना चाहते हैं। दूसरा, धीरे धीरे दुनिया में डिग्री से ज़्यादा स्किल का महत्व बढ़ता चला जाएगा। आपके पास एबिलिटी कितनी है उस पर बल जाएगा, और इसलिए हमने भारत में हर लेवल पर स्किल डेवलपमेंट के अंदर बल दिया। जो ग्लोबल वर्कफोर्स की ज़रूरत है, उस ग्लोबल वर्कफोर्स को ध्यान में रखते हुए अगर भारत के पास युवा धन है, अगर युवा धन दुनिया के काम आ सकता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट हम चाहते हैं। जैसे अभी हमारा जापान के साथ चल रहा है, तो जापान के जिस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, उसी प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना, उनको ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजना, उनके द्वारा हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन चालू करना, तो हमने एक अच्छा मॉडल डेवलप किया है। आने वाले दिनों में दुनिया को जिस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है, उसकी रिक्वायर के अनुसार ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना, स्किल डेवलपमेंट करना, उस पर हम बल दे रहे हैं। तीसरी बात, ऑटोमेशन पर दुनिया जा रही है, लेकिन मैं मानता हूँ दुनिया बदलने के बावजूद भी नए नए जॉब क्रिएशन की संभावनाएं रहती हैं। तो नए नए जॉब क्रिएशन को अभी से विजुलाइज करना, और अकॉर्डिंग टू दैट हमारे सिलेबस को बदलना, इस दिशा में काम। दूसरी एक समस्या जो है, जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव, मैंने कल यूएन में भी उसका उल्लेख किया था, और शायद आपके इंटरेस्ट का विषय है, और मैं चाहूँगा कि ब्लूमबर्ग इसमें हमारे साथ जुड़ करके मदद कर सकता है। हमने देखा है कि इन दिनों क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत बड़ी मात्रा में डिजास्टर हम आए दिन सुनते रहते हैं। ऐसे में डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बल देना पड़ेगा। दुनिया का एक सर्वे कहता है कि जब बड़े डिजास्टर होते हैं तो 60 से 70% एस्टाब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर देते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। तो डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इसका मतलब कि सिलेबस बदलने पड़ेंगे, हमने मटेरियल नए लाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी नई लानी पड़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो नए संकट आ रहे हैं उस संकट को निपटने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी। ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक मार्केट बनने वाला है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी बनने वाली है। हमने इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन को जन्म देने का तय किया है, कल मैंने यूएन में घोषणा की है, और जैसे हमने इंटरनेशनल सोलार अलायंस शुरू किया, वैसा ही डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में एक होलिस्टिक व्यू, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा यूथ के सामने हम चैलेंज के रूप में काम देने वाले हैं। In a world where social media seems to talk about everything that's going wrong, and we know
there are a lot of things going right. We've reduced global poverty by 50% in the last three decades. How do you and other leaders get a good message out when the press really says that's not what people want to hear? They want to hear sensationalism and failure and all the bad things, and we know that's not true. What should a leader do today? It's a different world. आप स्वयं मीडिया की दुनिया से जुड़े हुए हैं और आप जब ये सवाल पूछते हैं पहली बात है, मैं भारत के संदर्भ में कह सकता हूं, मैं और जगह पर नहीं कह सकता हूं, हमारे देश में बहुत पहले घटना हुई थी। कांदहार में हमारा एक विमेन हाईजेक हुआ था और उसमें करीब सैकड़ों की तादाद में हमारे पैसेंजर्स थे, टेररिस्टों ने उनको बैन में रखा हुआ था। लेकिन उस समय नया नया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, टीवी था, और उन्होंने जो परेशान हुए जो नागरिक थे उनकी कथाओं को इतना फ्लैरअप कर दिया कि वहाँ जो टेररिस्ट बैठे थे उनका हौसला बढ़ गया। उनको लगने लगा कि देखिए हिंदुस्तान में तो सरकार के ऊपर इतना दबाव है कि अब टेररिस्ट जो क्या चाहेंगे वो हो जाएगा। तो मुझे बराबर याद है कि भारत के टीवी वालों ने खुद ने एक मीटिंग किया था और आत्मनिरीक्षण किया था कि हमने कितनी गलतियां की, हमने इन गलतियों को कैसे सुधारना, और मुझे वो एक अच्छा इनिशिएटिव लगा था। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें हट गई हैं, क्योंकि कंपटीशन है और ऐसी कंपटीशन में जल्दी न्यूज देना, गर्मा गर्म न्यूज देना, जरा तीखे तम तमते न्यूज़ देना, ये एक कंपटीशन का युग हो गया है। तो वहाँ क्या सुधार होगा कि नहीं होगा कहना कठिन है। सोशल मीडिया ने एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी ताकत दी है। आज कोई भी खबर कोई भी व्यक्ति पहुँचा सकता है, तो एक प्रकार से डेमोक्रेसी का एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट सोशल मीडिया के रूप में मैं देख रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से ऑर्गेनाइज वे में नेगेटिव चीज़ों को प्रचारित करने का प्रयास हो रहा है। अच्छा है कि कुछ मीडिया ने डेली 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा फेक न्यूज़ को उजागर करने के कार्यक्रम शुरू किए हैं। धीरे धीरे रेगुलर मीडिया, सोशल मीडिया फेक न्यूज़ से क्या क्या नुकसान हो रहा है उस पर अगर बल देंगे तो मैं समझता हूँ स्थिति सुधरेगी। दूसरा, फॉरवर्ड करने की जो फैशन है, मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के लिए कोई सॉल्यूशन लाना पड़ेगा कि जिसमें कोई न्यूज आता है तो वेरिफिकेशन की कोई संभावना बने, तब जाकर के हम रोक पाते हैं। लेकिन मैं खुद सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूँ, बहुत सालों से एक्टिव हूँ, और मैंने मुझे उसके बेनिफिट भी मिले हैं। मैं देख रहा हूँ कि दूर सुदूर गाँव में कोई छोटी भी घटना मुझे सोशल मीडिया से पता चलती है तो मैं गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन में लाता हूँ। मुझे बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन मैं एक्शन में। तो गुड गवर्नेंस के लिए जो नीचे से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। और मैं मानता हूं अगर सेंसिटिव गवर्नमेंट्स हो, गुड गवर्नेंस का मोटो हो, तो इंफॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया एक बेस्ट टूल है। और उसी प्रकार से जैसे मेरे यहां बाढ़ आई तो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू, व्हेन आई वाज इन गुजरात, मेरे यहाँ एक नदी है मही नदी, वहाँ 5 साल में एक बार बाढ़ आती है, लेकिन एक बार, एक साल में 5 बार बाढ़ आई और गवर्नमेंट मशीनरी भी थक जाए। लेकिन मेरे पास सोशल मीडिया का नेटवर्क था तो मैं मैसेजिंग करता था। तब तो लैंग्वेज में हमारे मैसेजिंग की सुविधा उतनी नहीं थी तो मैं रोमन लिपि में ही गुजराती मैसेज देखता था। और आप हैरान हो जाएंगे कि एक साल में 5 बार बाढ़ आई, एक भी पशु नहीं मरा, एक भी नागरिक नहीं मरा, प्रॉपर्टी का नुकसान जरूर हुआ लेकिन हम लोगों को बचा पाए, एंड दैट वाज जस्ट विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क। इसलिए मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस के लिए सोशल मीडिया को पॉजिटिव भी उपयोग किया जा सकता है। तो अगर एक नेता के रूप में आप कहते हैं कि एक सरकार के मुखिया के रूप में कहते हैं तो मैं सोशल मीडिया को गुड गवर्नेंस का एक अच्छा हथियार के रूप में उपयोग करने के पक्ष में हूं और मैं उसकी काफी कोशिश कर रहा हूं।
Well, Mr. Prime Minister, our scheduler keeps flashing us a message saying we're out of time, but I wanted to thank you for generously giving us your time. American-Indian relations, I hope, will continue to improve. You've just been reelected. Use your time in office wisely. We need a strong India. And I wanted to thank you on behalf of the American people for all of the people of Indian extraction who've come here and changed our business and culture and technology. We have a great relationship and we want to make that better. So thank you very much. मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मुझे आपके बीच आने का मौका मिला, लेकिन मैं फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ, अब हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है, हिंदुस्तान ही आपके लिए एक डेस्टिनेशन है, तो मैं चाहूँगा कि ब्लूमबर्ग के माध्यम से आप भारत में आइए, मैं भारत में आपके स्वागत के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।